नियम और कानून कायदे क्या सिर्फ आम आदमी के लिए, छोटे लोगों के लिए है? क्या इन बड़े लोगों के लिए कोई कायदा नहीं है? हालांकि ये लोग मजदूर लोग हैं, लेकिन पैसा मुनाफा कौन कमा रहा है? जियो कंपनी मुनाफा कमा रही है। क्यों नहीं उन कंपनी को पकड़ा जाता है, रोका जाता है? क्यों नहीं कॉन्ट्रेक्टर के ऊपर कार्यवाही होती है? नगर पालिका के अंडर में नहीं था तो महानगर पालिका ने परमिशन दी कैसे? क्या पैसे लेके परमिशन दी गई? दूसरा सवाल नहीं है, एक तरफ जियो देश को लूट रहा है, हर आम आदमी को लूट रहा है, तो दूसरी तरफ प्रशासन को किस तरह से जेब में लेके चलता है उसका हम कारोबार दिखा रहे हैं। सबसे पहले इसमें फॉल्ट में है वसईविरार महानगर पालिका। वसईविरार महानगर पालिका के कार्यकारी अभियंता जो है राजेंद्र लाड़, उनको कई बार शिकायतें की जा चुकी है कि जियो कंपनी है वो हलगर्जी से काम करती है, लेकिन उनका लक्ष्य नहीं है। बार बार उसको महानगर पालिका परमिशन जारी कर देती है और कुछ जगह की परमिशन जारी करती है जिसका महानगर पालिका को लेना देना नहीं है। नमस्कार, मैं हूँ हिंसू बनी। दोस्तों, इस समय हम खड़े हैं वसई मंदिर के गण नाका के पास में। गण नाका ये क्षेत्र का नाम है। हम यहाँ खड़े हैं बाबोड़ा से बंगली की तरफ ये रोड जाने वाला है, यहाँ पर हम खड़े हैं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे कुछ खोद काम शुरू है। कंपनी ये जियो कंपनी का ये केबल ओएफसी केबल डालने का काम यहाँ शुरू है। तो ठीक है, केबल डालने का काम है उनका, कंपनी का अपना काम है, किसी को क्या उससे दिक्कत हो सकती है, लेकिन काम कंपनी का काम करने का तरीका है वो हम आप दिखाने वाले हैं। कैसे ये बड़ी कंपनियां जो है प्रशासन को अपना गुलाम बनाकर अपने जेब में रखकर काम करवाती है, इसका नमूना हम दिखाने वाले हैं। मेरे हाथ में कुछ कागजात हैं, मैं उनके साथ में आपको ये लाइव दिखाऊंगा। ये हमारे पास में करारनामा है, आप देख सकते हो मेरे पास एक करारनामा है। ये जगह पहले बता दूं, जो जगह है वसईविरार महानगर पालिका के कार्य क्षेत्र में नहीं आकर जिला परिषद पालघर के कार्य क्षेत्र में आती है। ये रास्ता उसके कार्य क्षेत्र में आता है। ये करारनामा जो है जिला परिषद और जियो कंपनी के बीच में किया गया है। अब मैं इस पे बात करूं उससे थोड़ा पहले ये बता दूं आपको कि वसईविरार महानगर पालिका में यही एक बड़ा संशय है कि कौन सा क्षेत्र किसके अंडर आता है, ये अभी तक प्रशासन को भी बराबर मालूम नहीं है। कभी प्रशासन को ऐसा लगता है कि ये क्षेत्र महानगर पालिका का है, कभी प्रशासन को ऐसा लगता है कि ये क्षेत्र जिला परिषद या पीडब्ल्यूडी विभाग सार्वजनिक बांधकाम विभाग का है, ऐसा अभी ये मालूम पड़ा है। दरअसल ये जियो कंपनी जो है वसईविरार महानगर पालिका अंतर्गत काफी जगह पर खोदकाम कर रही है, अपना केबल डाल रही है, और उसको महानगर पालिका ने बारो बार इसको महानगर पालिका ने परमिशन दी हुई है। महानगर पालिका की परमिशन के भी कागज हमारे पास है, हम आपको शो करेंगे अभी। तो जियो कंपनी का जो काम है इसकी जो मनमानी है, एक तरफ जियो देश को लूट रहा है, हर आम आदमी को लूट रहा है, तो दूसरी तरफ प्रशासन को किस तरह से जेब में लेके चलता है उसका हम कारोबार दिखा रहे हैं। सबसे पहले इसमें फॉल्ट में है वसईविरार महानगर पालिका। वसईविरार महानगर पालिका के कार्यकारी अभियंता जो है राजेंद्र लाड़, उनको कई बार शिकायतें की जा चुकी है कि जियो कंपनी है वो हलगर्जी से काम करती है, लेकिन उनका लक्ष्य नहीं है। बार बार उसको महानगर पालिका परमिशन जारी कर देती है और कुछ जगह की परमिशन जारी करती है जिसका महानगर पालिका को लेना देना नहीं है, उसके बावजूद महानगर पालिका परमिशन दे देती है। जियो कंपनी जो काम करती है, काम करने के कुछ नियम कानून कायदे होते हैं, इनका पैसा ये जो खोद काम है उसका पैसा भरना होता है, रस्ते का करारनामा होता है, रस्ते का पैसा भरना होता है, लेकिन वो पैसा भरा गया या नहीं भरा गया इनको परमिशन मिल जाती है। अभी फिलहाल मैं जिला परिषद पे वापस आता हूँ। ये रास्ता जिला परिषद का है और ये करारनामा जिला परिषद का जो मैंने आपको दिखाया जिला परिषद का है। इस जिला परिषद के करारनामे में ये करारनामा जियो की तरफ से किया गया है, जिसमें जियो जो है यहाँ पर मेंशन कर रहा है कि उपरोक्त रास्ते की जो इसने परमिशन ली है उसमें ठहराव क्रमांक हमने लिखा हुआ है कि हमने ये ठहराव क्रमांक, लेकिन ठहराव क्रमांक की जगह ब्लैंक है। आप देख सकते हो न ही ठहराव क्रमांक है न ही उस पर तारीख है। अगर ठहराव नहीं हुआ है तो ये परमिशन कब जारी हुई, किसके आधार पर जारी हुई, ये एक सवाल बड़ा है। दूसरी चीज ये है कि इसी परमिशन में लिखा हुआ है नीचे कि काम शुरू करने के पहले जियो को जो है यहाँ के लोकल, ये परमिशन पालघर जिला लेवल से जारी हुई है, लेकिन उसको काम शुरू करने से पहले यहाँ के लोकल जो इंजीनियर है उसको रिटर्न लेटर लिख देना है और उनको यहाँ पे जगह पे खड़े रह के पानी करके फिर काम शुरू करना है। लेकिन हमने जब यहाँ के
अभियंता से इंजीनियर से जब मुलाकात की उनसे पूछा कि क्या आपको मालूम है जियो का काम शुरू है, उन्होंने आपको इंटीमेशन लेटर दिया है, तो शिंदे साहब करके इंजीनियर है उनका साफ कहना था कि हमें ऐसा कोई पत्र नहीं आया, हमको मालूम नहीं है। तब हमने उनको बोला कि आप जाके जगह पर स्थल पानी कीजिए, उसको काम को रोकिए। क्यों ये विषय आया इसके लिए ये बता दूं कि वसई विरार महानगर पालिका जो मैं बता चुका हूँ, जिन्होंने इतनी ये परमिशन दी थी, उसको बार बार शिकायत की जा रही थी कि जियो मनमानी करता है, लेकिन फिर भी परमिशन दी जा रही थी। आखिरकार जनवरी महीने में ये 2022 में 8-12-2021 को वसई विरार महानगर पालिका तत्कालीन आयुक्त गंगाधरन डी ऑफिसर, उनको ये महसूस हुआ कि जियो जो काम करता है मनमानी वाला करता है, तो इन्होंने एक पत्र लिखा जियो को कि आपकी जितनी भी परमिशन है हम रद्द करते हैं, ये परमिशन रद्द किए जाने का पत्र है। अब जियो की परमिशन रद्द कर दी गई, उसके बाद में हमने जब शिकायत की तब भी जियो काम कर रहा था, परमिशन कैंसिल होने के बाद भी, तब बकायदा जियो के ट्रैक्टर टैंकर और मशीन को महानगर पालिका ने जब्त किया था, यही वो क्षेत्र था जहां से तब किया, उसके बाद में फिर महानगर पालिका ने परमिशन नहीं दी और जियो ने जिला परिषद से परमिशन हासिल करके ये काम शुरू किया। अब सवाल ये है कि अगर महानगर पालिका के अंडर में नहीं था तो महानगर पालिका ने परमिशन दी कैसे, क्या पैसे लेके परमिशन दी गई? दूसरा सवाल, अगर महानगर पालिका के अंडर में ये रोड नहीं है तो परमिशन दी गई तब ये काम कर रही थी कंपनी, तो इसके उपकरण जब्त करने का महानगर पालिका को क्या अधिकार है, ये सवाल बड़ा है। तीसरी बात, ये कंपनी ने पहले महानगर पालिका से परमिशन ली लेकिन तब भी जिला परिषद को नहीं बताया, जब अगर जिला परिषद का क्षेत्र है तो उसको अंधेरे में क्यों रखा गया? और अब जब जिला परिषद के क्षेत्र में जिला परिषद की परमिशन से काम किया जा रहा है, तब क्यों नहीं जिला परिषद को पहले इंटीमेट किया गया? यानी कहीं ना कहीं कुल मिलाकर ये जो बड़ी कंपनियां हैं चोरी कर रही है सीधा सीधा, और इसके प्रशासन जो है पूरी तरह से उनका साथ दे रहा है। माननीय जिलाधिकारी महोदय को ये चाहिए कि क्यों आम पब्लिक का ये नुकसान, ये जो अभी खोद काम शुरू है इसमें अतिशयोक्ति में साफ लिखा हुआ है कि 100 मीटर दूर पर रिफ्लेक्टर लगाना चाहिए, ये रास्ता है वो आम रास्ता है, यहाँ अगर कुछ एक्सीडेंट होता है बिना रिफ्लेक्टर का जिम्मेदार कौन है? क्या महानगर पालिका उसकी जिम्मेदारी लेगी? क्या जिला प्रशासन उसकी जिम्मेदारी लेगा? यहाँ रिफ्लेक्टर नहीं है, किसी तरह के सुरक्षा उपकरण के नाम पर सिर्फ दो बैरिकेड है, खुद जियो के काम करने वाले कर्मचारियों के सर के ऊपर न हेलमेट है न ही इनके पैरों में बूट बराबर है। क्या इसी तरह से बड़ी बड़ी कंपनियों का काम होता है? क्या यही काम करने की पद्धति है? नियम और कानून कायदे क्या सिर्फ आम आदमी के लिए है, छोटे लोगों के लिए है? क्या इन बड़े लोगों के लिए कोई कायदा नहीं है? हालांकि ये लोग मजदूर लोग हैं लेकिन पैसा मुनाफा कौन कमा रहा है? जियो कंपनी मुनाफा कमा रही है। क्यों नहीं उन कंपनी को पकड़ा जाता है, रोका जाता है? क्यों नहीं इन कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर कार्यवाही होती है? महानगर पालिका नियम में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि इनके ऊपर 10,000 रुपया रोज का दंड लगना चाहिए, महानगर पालिका नहीं लगाती है। आम आदमी चेहरे पर मास्क नहीं लगाए तो 500 रुपया दंड लगता है, बड़ी बड़ी कंपनियां जो लापरवाही करती है उनके ऊपर क्यों नहीं दंड लगता है? ये सवाल बड़े हैं। आज ये सवाल इनकी नौबत क्यों आई? क्योंकि सबको अंधेरे में रखा गया, जब अगर इनके अधिकार क्षेत्र में महानगर पालिका अधिकार क्षेत्र में नहीं है तब जिला परिषद से परमिशन क्यों नहीं ली गई? जब जिला परिषद से परमिशन ली गई तब महानगर पालिका वो क्यों जिला परिषद को क्यों नहीं बताया गया? और ऐसा नहीं है कि महानगर पालिका ही इसमें दोषी है, जिला परिषद भी उतनी ही दोषी है। हमारी कंप्लेंट के बाद भी जिला परिषद इंजीनियर ने अभी तक इस जगह का सर्वे नहीं किया और काम को रोका नहीं है। जब एक IAS ऑफिसर ने काम को रोका था तब फिर से काम शुरू हुआ तो क्या उस पर जिला परिषद के इंजीनियर को संज्ञान नहीं लेना चाहिए था? क्या शिंदे साहब जिम्मेदार नहीं है? और हो सकता है कि ये परमिशन ही बोगस हो, जब उनके पास उसका इंटीमेशन ही नहीं आया तो इस परमिशन की सही होने की क्या, जब हमने पूछा वो बोले नहीं हमारे पास ये परमिशन नहीं आई, उल्टा मेरे से ये कागज लिया जो इंजीनियर है शिंदे उन्होंने। मतलब कुल मिलाकर यहाँ बहुत बड़ा पैसे का खेल है, इतना ही कहना चाहूंगा। बड़ी बड़ी कंपनियां जो है वो देश को लूट कर जा रही है लेकिन यहाँ का जो प्रशासन है उसको लूटने पे पूरा उनका साथ दे रहा है, इतना ही कहना चाहूंगा। एक बड़ा विषय और है आज इस वीडियो के माध्यम से मैं उठा रहा हूँ। अभी दूसरा विषय जो है वो प्रशासनिक नाकामी का विषय बता रहा हूँ।
जब वसई विधान महानगर नगर पालिका का गठन 2009 में हो चुका है, तो अब भी क्यों नहीं ये जिला परिषद जो है महानगर पालिका वो हैंड ओवर कर रही है, महानगर पालिका हैंड ओवर क्यों नहीं ले रही है? यहाँ का खर्चा, ये रोड बनाने का खर्चा महानगर पालिका करती है जो हमारे टैक्स से पैसा जाता है, जबकि यहाँ का उत्पन्न जो है वो जिला परिषद लेती है। ये क्यों? ये बड़ा विषय है। यही विषय शिक्षण के लिए है। शिक्षण कर महानगर पालिका लगाती है, लेकिन आज महानगर पालिका का एक भी स्कूल नहीं है। जिला परिषद स्कूल संचालित है और उसमें खर्चा महानगर पालिका कुछ खर्चा नहीं कर रही है। तो आज के लिए इतना ही। आप देखिए इस वीडियो को महानगर पालिका आयुक्त अनिल पवार तक पहुंचाइए, इस वीडियो को इंजीनियर सिंधे साहब के पास पहुंचाइए और लास्ट में फाइनली शासन के पास पहुंचाइए, ताकि उनको मालूम पड़े कि किस तरह से बड़ी कंपनियां लूट मार कर रही है और आम आदमी के पैसे का सीधा नुकसान हो रहा है। आज के लिए इतना ही। वस्ती से यूसुफ।